When life gives you boiled rice, make fried rice. अर्थात प्लेन जेन जिंदगी में कुछ नहीं रखा, स्पाइस इट अप, उसके अंदर मसाले डालिए, चाहे वो आपका खाना हो या आपकी जिंदगी। और फ्राइड राइस की जब हम बात करते हैं ना, तो शेजवान फ्राइड राइस वो काफ़ी पॉपुलर है और उसके अंदर होता है चिली और गार्लिक का फ्लेवर। और ये बनाना बहुत आसान है। एट द सेम टाइम फ्राइड राइस बिकम्स लाइक अ ब्रिलियंट स्नैक, मतलब आप एज इज खा सकते हैं, इतना बढ़िया होता है। तो शुरू करते हैं शेजवान फ्राइड राइस। अब शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें शेजवान सॉस बनानी होगी, और शेजवान सॉस के लिए हमें चाहिए चिली। ना ये जो ड्राई चिली है ना, ये आप ऐसी ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, विच मीन्स इसका एक बढ़िया डीप कलर आएगा, चिली का फ्लेवर होगा एंड स्पाइस लेवल टॉलरेबल होगा। सो लाइट दिस अप। इसमें जाएगा पानी, जरा सा अनियन, ये जाएगा इसके अंदर फ्लेवर के लिए, जरा सा गार्लिक, जरा सा अदरक, जस्ट वाइल्ड बॉइलिंग। इसे लगेगा ढक्कन और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए पकाना है ताकि चिली जो है वो नरम पड़ जाए। एट द सेम टाइम जो पानी है, जितना ज्यादा वो रिड्यूस हो जाएगा बेस्ट है। ना होता क्या है कि शेजवान फ्राइड राइस के अंदर ना आपको शेजवान पेपर का इस्तेमाल करना होता है। कई बार घर पर शेजवान पेपर नहीं होता और आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलता। इट्स परफेक्टली फाइन, चिली विल डू। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा पेपर पाउडर या पेपरकॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस ऑफ, पानी सूख गया है, ऑलमोस्ट सूख गया, और चिलीज भी काफी टेंडर हो गई हैं। लेट्स टेक इट आउट। परफेक्ट, ब्रिलियंट। चिली की एक स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। मैं तो ऐसा कर रहा हूं, आप मत करिए, छींक आ जाएगी, मेरे को आदत है। इसे करेंगे कंप्लीटली ठंडा, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए, अब इसे पीसने के लिए ना पानी का इस्तेमाल ना करके ऑयल का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ऑयल। होगा क्या, ऑयल से इसकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी। लेट्स ग्राइंड दिस। ये तैयार, ये देखिए स्मूथ, बिल्कुल प्यारी, एक अच्छी सी प्यूरी हो गया ये। ऑलराइट, चिली पेस्ट तैयार है। नाउ शेजवान सॉस बनाने के लिए पैन को करेंगे गरम, उसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। देखिए ऑयल गरम, सिंपल है। इसमें जाएगी थोड़ी सी जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक। जिंजर और गार्लिक एक अच्छा बेस फ्लेवर देता है किसी भी चाइनीज डिश को, स्पेशली सॉसेस को। हल्का पकाना है, आराम से इसे हमें सौते करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। वाइल दिस इज ब्राउनिंग, आपको बता दूं मेरे चैनल पर वेज फ्राइड राइस है, उस रेसिपी को ज़रूर देखिए। सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, झटपट बन जाती है। जहाँ पर वो सिंपल फ्लेवर्स वाली है, आज की हमारी रेसिपी है थोड़ी सी पैक्ड विद पावर एंड पंच, चिली एंड गार्लिक। ना ये अच्छे से भुन गया, हम डालेंगे इसमें हमारी ये चिली पेस्ट। हमें करनी है चिली की भुनाई जब तक कि जो ऑयल हमने डाला है वो ऊपर नहीं आ जाता, मतलब साइड से ऊज आउट नहीं होता। देखिए आप अपनी शेजवान सॉस को इतनी थिक रखेंगे ना तो ये लंबे समय तक चलेगी। वहीं पर अगर आपको इमीडिएट यूज़ करना है, एज अ डिपिंग सॉस यूज़ करनी है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं। अब इस सॉस के अंदर हम डालेंगे लाइट सोया सॉस, जस्ट अ लिटल। साथ ही स्वाद के लिए हम डालेंगे इसमें या तो शेजवान पेपर पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी चीनी, मीठा हो गया, तीखा हो गया, नमकीन हो गया, थोड़ा सा खट्टा विनेगर, जस्ट अ लिटल सॉल्ट। जो सोया सॉस होता है ना उसमें बहुत ही बढ़िया उमामी फ्लेवर होता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देता है
शेजवान सॉस को। देखिए ये जो सॉस है ना, इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं नूडल्स को जब आप स्टर फ्राई करते हैं, आप चाहें तो डिमसम से मोमोज के साथ सर्व कर सकते हैं, सूप्स अगर जो आप पीते हैं उसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी आपको फ्लेवर ऐड करना है उसमें ऐड कर सकते हैं, राइस तो है ही। सो कुल मिलाकर डिफरेंट डिशेज में ये काम आएगी। अच्छा बॉयल आ गया है, टुवर्ड्स दी एंड इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालते ही इसके अंदर एक अच्छा फ्लो आएगा, एक काफ़ी रिलेटेबल फ्लेवर आएगा एंड टोमेटोज जो चिली है उसको काउंटर बैलेंस करते हैं, मतलब उनकी सारनेस। सो ये बन गई आपकी शेजवान चटनी या शेजवान सॉस, जो बहुत ही वर्सेटाइल है एंड ट्रूली इट्स टू गुड। राइस को टॉस करने के लिए बेस्ट है आप कोई पैन का इस्तेमाल करें या कढ़ाई का। नाउ कढ़ाई को गर्म करना है और गर्मा गर्म कढ़ाई के अंदर जाएगा ऑयल। जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको बताऊं कि हर किसी के घर में नॉनस्टिक पैन नहीं होता, लोहे की या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है और उसके अंदर जब फ्राइड राइस बनाने जाते हैं राइस चिपक जाता है। उससे कैसे बचे? बहुत ही सिंपल टिप है। देखिए आपको अपने पैन को गरम करना है ऑन अ वेरी हाई हीट, अच्छे से गरम कीजिए, उसके बाद उसके अंदर तेल डालिए और तेल को लाइटली आपको स्मोक करना है। उसके बाद वो ज़रा सा तेल उसे आपको हटा देना है, मतलब पोर इट आउट। दोबारा से आपको कढ़ाई को गरम करना है और उसके बाद जब आप उसके अंदर राइस फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए वो बिल्कुल नॉनस्टिक हो जाएगा, मतलब राइस बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर आप नूडल्स बना रहे हैं वो भी नहीं चिपकेंगे। ये थी मेरी आज की टिप, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नाउ मेरा ये एब्सोल्यूट फेवरेट शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा अदरक। जहाँ शेजवान सॉस बनाते वक्त हमने अदरक लहसुन को ब्राउन किया था, इस वक्त इसे कच्चा ही रखना है। सो लाइट स्टर फ्यू सेकंड्स और इसमें हम डालेंगे बारीक कटे चॉप्ड अनियंस। और फ्राइड राइस जो है या नूडल्स जो है हमेशा हाई हीट पे ही बनते हैं। हाई हीट का मतलब ये नहीं कि आपको सामान जला देना है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हाई हीट पे बनाना है तो कंटिन्यूसली उसे स्टर भी करना है ताकि वो लगे ना। अनियन जिंजर गार्लिक, अब इसमें हम डालेंगे कैबेज बीन्स कैप्सिकम। नाउ प्रीटी मच जो सब्जियां आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रोकली भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बारीक कुतरी हुई गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कैरेट्स। नाउ Let's toss them together. Look at all those bright colors. देखिए जब चाइनीज फूड बनता है ना उसके अंदर मेन चीज़ होते हैं कट्स ऑफ वेजिटेबल्स। जितने बारीक अभी आप काटेंगे उतनी जल्दी वो पकेंगे, एट द सेम टाइम अपना क्रंच रिटेन करेंगे और पौष्टिक भी रहेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम ये बना रहे होते हैं कई लोग क्या करते हैं कि सोया सॉस जो है डार्क हो या लाइट हो उसे सब्जियों के ऊपर डायरेक्ट डाल देते हैं, उससे सब्जियों का रंग गाढ़ा हो जाता है। वो नहीं करना, हमें डालना है राइस। ये है बासमती राइस जिसे बॉईल किया हुआ है। आप चाहें तो सेला राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट फ्राइड राइस बनता है मोटे राइस से, मोटा और छोटे ग्रेनुलर राइस। ये गया राइस, इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ लाइट सोया सॉस। आप चाहें तो डार्क सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंस पता करना है कि लाइट सोया सॉस और डार्क सोया सॉस क्या होती है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मैं आराम से इत्मीनान से बताऊंगा। ये है थोड़ा पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और ये है हमारी शेजवान सॉस। ये जाएगी राइस के ऊपर, साथ ही अ डैश ऑफ विनेगर। और अब इसे हमें टॉस करना है। देखिए जो टॉसिंग होती है, या तो आप एक्सपर्ट हो टॉस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे टॉस नहीं होता स्कूप करिए इस तरीके से और ड्रॉप, स्कूप एंड ड्रॉप। अगर आपने इस तरीके से करछी चला दी तो इसका भरता बन जाएगा, इसलिए केयरफुली। इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियंस, जस्ट गिव इट अ नाइस टॉस। ब्रिलियंट,
Look at this beautiful fried rice. Did I say fried rice? Nope. Schezwan fried rice. Fried rice tayar. Let's plate it. और हमारा शेजवान फ्राइड राइस डन. कढ़ाई से खाने का मजा ही और है. अक्सर मेरे वीडियोस पे, स्पेशली जहां पर मैंने चाइनीज डिशेस बनाई है, कई लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई लाइट सोया सॉस और डार्क सोया सॉस में आखिरकार फर्क क्या है. चलिए आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है लाइट सोया सॉस और डार्क सोया सॉस में. ये है लाइट सोया सॉस और ये है डार्क सोया सॉस. क्लियरली दोनों के रंग में फर्क दिख रहा है जब आप किसी व्हाइट प्लेट पर उसे डालते हैं. एट द सेम टाइम जब आप इस तरीके से उसे बहाते हैं, आप नोट करेंगे जो लाइट सोया सॉस है उसका लाइट गोल्डन कलर है या लाइट कैरमल कलर है. इसका एक बहुत ही डार्क कलर है. ये काफ़ी पतली है इसलिए ये जमती नहीं, ये काफ़ी गाढ़ी है. सो सिंपली पुट, जो लाइट सोया सॉस है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेवरिंग करने में, टेस्ट एनहांस करने में. जैसे कि अगर आप कोई चाइनीज़ डिश खा रहे हैं तो लाइट सोया सॉस उसके ऊपर एक्स्ट्रा डालकर, फ्राइड राइस नूडल्स के ऊपर डालकर, या डिपिंग सॉस बनानी है आपको डिमसम्स या मोमोज की, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं पर डार्क सोया सॉस इस्तेमाल होती है जब आप स्टर फ्राइज बनाते हैं चाइनीज स्टाइल, जैसे चिली चिकन बना रहे हैं आप या फिर आप कुंग पाव बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक नाइस डीप कलर चाहिए जो यूजली मीट्स के साथ ब्लेंड होता है. सो ये दोनों में डिफरेंस है. एक और डिफरेंस, लाइट सोया सॉस एज द नेम सजेस्ट, इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा माइल्डर होता है कंपेयर टू द डार्क सोया सॉस. आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप रेसिपी कोई भी बनाएंगे, स्पेशली चाइनीज या एशियन, तो डार्क और लाइट सोया सॉस का फर्क आपको पता होगा और ये दोनों आपकी किचन पैंट्री में होनी चाहिए.